नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शर्मा जी एजुकेशन के अंदर। मेरा नाम विश्व विवेक शर्मा है और मैं आपकी केमिस्ट्री की फैकल्टी हूं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट 2016 केमिस्ट्री सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का। इससे पहले मैं एक पार्ट डिस्कस कर चुका हूं और अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस पर जाके क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट वन मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर जिसने अभी भी पेपर डाउनलोड नहीं किया तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाके पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट इसका, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। मोलर मास गिवन है सुक्रोज का और ग्लूकोज का। तो इस क्वेश्चन में करना बड़ा आसान है, अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। डेटा में क्या क्या गिवन है हमें, मोलर मास ऑफ सुक्रोज, मोलर मास सुक्रोज का दे रखा है 342, क्वेश्चन नंबर 11 है ये। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें इसमें निकालना है चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे ये देखने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कि एफ एम क्या होता है, मोलैलिटी। अच्छा, इसमें दो डेटा गिवन है, एक तो आपका डेटा गिवन है सुक्रोज का, सुक्रोज के साथ दे रखा है डिस्पर्जन यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरा आपको ग्लूकोज के लिए निकालना है। ओके, तो पहले हम सुक्रोज से जो वैल्यू निकालेंगे वो केएफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। केएफ की वैल्यू निकालने के बाद हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि आगे क्वेश्चन में क्या करना है। तो केएफ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपको जो डेटा पता है उसको आप पुट करिए। जैसे चेंज इन टेम्परेचर पता है कितना है आपका, नॉर्मली होता है 273.15 केल्विन दे रखा है, और इसको आप कितना चेंज हुआ है 269.15, इतना तो ये चेंज हुआ है। ठीक है, केएफ आपको नहीं पता है, ये कैलकुलेट करना है पहले। दूसरा मोलैलिटी तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं लेट कर लेता हूं क्योंकि इसमें दे रखा है 10% सॉल्यूशन बाय मास। तो मैं अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लूं तो 10% तो आपके सुक्रोज के हो गए, यानी 10 ग्राम तो आपका सुक्रोज का हो गया, बाकी का 90 ग्राम किसका हो गया, वाटर का। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसकी मोलैलिटी निकाल लेंगे। मोलैलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करिए। तो 10 डिवाइडेड बाय 342 इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 90। ओके, अब यहां से आप चेंज निकालेंगे केएफ की वैल्यू आपकी आ जाएगी, केएफ आपका आ जाएगा 12.3 केल्विन केजी पर मोल। आपका केएफ आ गया, केएफ होता क्या है हमारा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है ग्लूकोज के लिए कि ग्लूकोज के लिए डेल्टा टीएफ क्या होगा, डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो फिर से फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा टीएफ आपको कैलकुलेट करना है, केएफ की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब ग्लूकोज के लिए आपको मोलैलिटी निकालनी है, ग्लूकोज के लिए मोलैलिटी निकालेंगे, उसका भी सॉल्यूशन हमें दे रखा है 10% ऑफ ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा 10 बाय ग्लूकोज का एटॉमिक मोलर मास हमें दे रखा है 180 इंटू 1000 बाय 90। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 7.6 केल्विन। ये क्या है, चेंज है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, डेल्टा टीएफ की। अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई तो आप टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 273.15 तो था, उसमें से इतना आप माइनस कर दीजिए 7.6, तो आपको माइनस करेंगे तो आएगा 265.55 केल्विन। यानी इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट था, एक तो ये फॉर्मूला जो हमें याद करना है, ये तो आपको याद करना होगा, दूसरा मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालोगे, तीसरा
ये सोल्यूशन जो 10% बाय मास दे रखा था, तो उसमें थोड़ा सा अज्यूम करना था कि टोटल सोल्यूशन हम मान लेते हैं 100 ग्राम, तो उसमें से आप वाटर का भी आप आसानी से वेट निकाल सकते थे, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया। बाकी पहली जो सुक्रोज की इक्वेशन गिवन थी, सुक्रोज का डेटा गिवन था, आप वहां से केएफ निकालेंगे, उसके बाद आप उस केएफ की हेल्प से आप डेल्टा टीएफ निकालेंगे, और उस डेल्टा टीएफ के बाद आप फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे ग्लूकोज को मिक्स करने के बाद। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा से आप एक बार देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए और सॉल्व करके देखिए, तब तक मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पीयर वाज पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 फॉर 15 मिनट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फराडे लॉ लगाना है इसमें। 12 क्वेश्चन है इसका ए पार्ट। इसमें आपको दे रखा है कि Ag का एटॉमिक वेट दे रखा है 108, सॉरी Ag का मोलर मास दे रखा है 108 ग्राम पर मोल। ओके, 1 फेरेट की वैल्यू दे रखी है, 1 फेरेट चार्ज की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम पर मोल। ओके, इतना हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है मास, तो मास का फॉर्मूला होता है m = ZIT। अच्छा, सारी वैल्यू आप पुट करिए तो ये हो जाएगा 108 into 2 into 15। कितना टाइम है, 15 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करिए और डिवाइड कर दीजिए 1 फेरेट से, तो ये हो जाएगा 96,500। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.01 ग्राम, यानी मास कितना हो गया 2.01 ग्राम। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। एक बार अगर इसको ध्यान से देखिए कि जो डेटा गिवन था आपको, टाइम गिवन था 15 मिनट, और 15 मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है, जो टोटल वैल्यू आएगी उसको 96,500 से डिवाइड कर दीजिए, उसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगी, मास होगी वही वैल्यू, ठीक है। ओके, तो इसका सेकंड 12th का सेकंड पार्ट देखते हैं, डिफाइन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इनमें कन्वर्जन में इनकी एफिशिएंसी एक तो बहुत होती है, दूसरी ये एनर्जी बहुत देते हैं, तीसरा ये पोल्यूशन बहुत ही कम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है फ्यूल सेल के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अभी इसको अभी डेवलप होने में और भी टाइम लगेगा, आ गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा भी डेवलपमेंट चाहिए। ओके, तो ये था डिफाइन फ्यूल सेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा गया है, 13 के तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 whole 6 एंड CrCN6। इन दोनों में पूछा है कि इनके अंदर ऐसी कौन सी सिमिलैरिटी है, यानी इन दोनों में ऐसा कौन सा आइसोमेरिज्म है। तो देखिए, यहां पे भी 6 बॉन्ड बनेंगे, यहां पे भी 6 बॉन्ड बनेंगे, यानी अगर मैं इसमें बात करूं तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका जो आइसोमेरिज्म होगा फर्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, कोऑर्डिनेशन स्ट्रक्चर बनेगा वो सिमिलर होगा, इसलिए इसके अंदर कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं व्हाई अ सॉल्यूशन ऑफ NiH2O6 2+ आयन किसका, निकल H2O यानी एक्वा होल 6 2+।
आयन इज ग्रीन व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ निकल साइनाइड के साथ जो बन रहा है CN4 2- इज कलरलेस। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सा एक फंडा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या डी ब्लॉक एफ ब्लॉक हो, उसमें जब भी कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा लोन पेयर का, सॉरी अनपेयर इलेक्ट्रॉन का, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो डी ब्लॉक का, डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन। ओके, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनकी वजह से कलर हमें दिखाई देता है। देखिए कलर की भी एक रेंज होती है, कलर लाइट की भी एक रेंज होती है, अगर उस रेंज में हमारे इसमें से लाइट पास होती है या उसका स्पेक्ट्रम बनता है तो वो हमें दिखाई देता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर नहीं बनता है या वो अल्ट्रावायलेट हो सकता है या इंफ्रारेड हो सकता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता। मेरे से क्वेश्चन में कहा गया है कि ये ग्रीन कलर क्यों शो करता है जबकि ये कोई कलर शो नहीं करता, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि एक तो ये वीक लिगेंड है, ठीक है, और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, वीक लिगेंड जो है वो इसके साथ पेयरिंग करेगा लेकिन इसके डी ऑर्बिटल छोड़, मतलब इसके अंदर जो ट्रांजिशन होगा निकल के अंदर वो क्या होगा, डी डी ट्रांजिशन होगा और उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो कलर शो करेगा कैसा, ग्रीन, लेकिन साइनाइड है यहां पर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है जिसकी वजह से डी डी ट्रांजिशन हो नहीं पाता, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होता, डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन, तो इसमें कोई भी कलर शो नहीं होता। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है कि इसके अंदर वीक लिगेंड होने की वजह से अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, इसके अंदर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। अच्छा चलिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहने से फायदा क्या है कि वो डी डी ट्रांजिशन कर लेते हैं, तो डी डी ट्रांजिशन होने की वजह से ये कैसा कलर शो करता है, ग्रीन, और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते नहीं है इसलिए ये कोई भी ट्रांजिशन करता नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि इसका कोई भी कलर नहीं होता। तो ये था इसकी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की, तो आप आसानी से लिख सकते थे इसको अनपेयर इलेक्ट्रॉन या डी डी ट्रांजिशन, वीक लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड थ्योरी, ये आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग नहीं पढ़ी है तो प्लीज उसको अच्छे से करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मान के चलिए एक क्वेश्चन जरूर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग का। नेमिंग किसकी करनी थी, CONH3O5CO3Cl। अच्छा, इसकी अगर नेमिंग करनी है तो बहुत ही आसान नेमिंग है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक अमाइन ग्रुप है और एक कार्बोनेट ग्रुप है, ठीक है, एक अमाइन है और एक कार्बोनेट है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, अमाइन फिर कार्बोनेट, क्योंकि अमाइन ए से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोनेट सी से। अमाइन कितने हैं, 5, तो पेंटामाइन, ठीक है, पेंटामाइन हो गया, फिर आता है कार्बोनेट, तो कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेटो हो गया, कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, कार्बोनेटो। अब ये क्या है, कोबाल्ट, कोबाल्ट। अच्छा, इसकी हमें क्या लिखनी है, बैलेंसी, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी यहां पे सेकंड या थर्ड, थर्ड बैलेंसी हो जाएगी, ओके। और ये क्या है, क्लोराइड, तो ये हो गया क्लोराइड। तो ये इसकी नेमिंग हो गई, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले हम लिगेंड लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा सेंट्रल एटम वो, उसके बाद आपका एनायन जो भी है, एनायन यहाँ पे वो है क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोराइड, ओके। तो ये तो आपको पता ही है कि पहले हम हमेशा पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग करते हैं उसके बाद नेगेटिव पार्ट को लिखते हैं, तो ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ओके। तो ये सारे कुछ हो गया, क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा नहीं काफी थ्योरेटिकल है। इसमें तीनों पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल है। पहला है लियोफोबिक, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, लियोफोबिक एंड लियोफिलिक सॉल्व। देखिए कोलाइडर सॉल्यूशन आपने पढ़े होंगे, तो वो कह रहा है कि लियोफोबिक और लियोफिलिक क्या होते हैं। देखिए फोबिक क्या होता है कि जो किसी से दूर भागे, डर हो, किसी से दूर भागने को हम बोलते हैं फोबिक। तो लियोफोबिक का मतलब होता है, लियो का मतलब यहां पे वाटर से है, ठीक है, फोबिक, फोबिक आ गया इसके अंदर, तो ये क्या होगा, वाटर को रिपेल करेगा, यानी ये वाटर से दूर जाएगा। ऐसे सॉल जो वाटर को लाइक नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, लियोफोबिक सॉल। अच्छा एक होता है लियोफिलिक, लियोफिलिक सॉल की बात करें तो लियोफिलिक का मतलब होता है लविंग, किसी को प्यार करने वाला, किसी के पास जाने वाला। तो फिलिक यानी वाटर को जो के पास जो जाए, यानी वाटर को जो लाइक करे, ऐसे सॉल जो होते हैं उनको बोलते हैं लियोफिलिक सॉल। ओके तो ये तो थोड़ा सिंपल सा डिफरेंस, अगर आपको इनके बारे में नाम भी अगर थोड़ा बहुत याद है तो आसानी से लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्यूशन एंड कोलाइड, सॉल्यूशन और कोलाइड के बीच में आप डिफरेंस आपको बताना है। तो सॉल्यूशन और कोलाइड का डिफरेंस क्या है, देखिए सॉल्यूशन कोलाइड, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, क्या होता है, होमोजीनियस, ठीक है, और ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। नेक्स्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, क्या शो नहीं करता, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो आपको पता ही है, जब आप किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं तो मॉलिक्यूल के घूम, लाइट क्या होती है, डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है अलग अलग, और हमें मॉलिक्यूल घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो जो मोशन दिखाई देती है मॉलिक्यूल की, उसको तो जिगजैग मोशन बोलते हैं या ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, और जो लाइट डिस्पर्स हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। तो इसके अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं होता, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो होता है। और भी बहुत सारे आपके इसके बीच में डिफरेंस है, इसका पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है, इसका थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू, इसको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, कर तो इसको भी नहीं सकते, लेकिन इसको आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करोगे तो आप इसको अलग कर सकते हो। ओके तो ये तरीके हैं सॉल्यूशन और कोलाइड के बीच में डिफरेंस करने के। नेक्स्ट है होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। देखिए होमोजीनियस का मतलब ही होता है सारी चीजें एक जैसी हैं, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर दोनों एक ही स्टेट में है तो वो होमोजीनियस होगा, अगर एक ही स्टेट में है तो वो क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस, ठीक है। अगर वो डिफरेंट स्टेट में है, जैसे एक लिक्विड में दूसरा सॉलिड में है, एक सॉलिड में है दूसरा आपका लिक्विड में है, तो वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजीनियस। ओके तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट की जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिफाइन कर सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, न्यूमेरिकल था, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से न्यूमेरिकल था, तो आप इसको समझ सकते हैं, केमिकल काइनेटिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्वेश्चन में दे रखा है डेटा, और डेटा के बाद पूछ रहा है शो डेट इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप क्या करिए, के की वैल्यू निकालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रख के, अगर के की वैल्यू कॉन्स्टेंट आ रही है टाइम इंटरवल पे तो आप समझ लीजिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। तो पहले इसमें दे रखा है कि जीरो पे जो वैल्यू है, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं सीधे आंसर निकाल रहा हूं, आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया होगा तो उसमें आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां पे सीधे सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में आप देखेंगे के निकालेंगे, के का फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए नॉट बाय ए। ओके दो डेटा गिवन है, दोनों डेटा पे हम निकालेंगे, तो पहला निकालते हैं हम 300 पे, पहले हमें दे रखा है 300 का टाइम इंटरवल, तो 300 पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय 300 लॉग, पहले हमारी कंसेंट्रेशन कितनी है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -2
डिवाइडेड बाय बाद में कंसंट्रेशन होगी 0.8 इंटू 10^-2। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा वैल्यू 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.693 डिवाइडेड बाय 300। सॉल्व कर लेंगे पूरा तो आएगा 2.31 इंटू 10^-3 सेकेंड इनवर्स। तो ये K1 की वैल्यू आई। अब आप K2 की वैल्यू निकालेंगे। K2 मतलब सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए, सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 2.303 डिवाइडेड बाय 600 लॉग 1.6 इंटू 10^-2 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 10^-2। यहां से वैल्यू आएगी 4। 4 का अगर आप स्क्वायर करेंगे यानी 2 का स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 से ये 300 कट हो जाएगा और 600 कट हो जाएगा 300 टाइम पे। फाइनली K2 की भी वैल्यू कितनी आएगी 2.31 इंटू 10^-3 सेकेंड इनवर्स। तो आपने दोनों टाइम इंटरवल के लिए जब K की वैल्यू निकाली तो आपने देखा कि K दोनों में कॉन्स्टेंट आ रहा है, यानी ये वैल्यू कैसी है, ये रिएक्शन कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंफर्म हो गई क्योंकि हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के लिखा। के लिखने के बाद वैल्यू निकाली। वैल्यू निकालने के बाद हमने देखा कि दोनों में के की वैल्यू सेम इंटरवल टाइम, मतलब जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम है उसमें निकाला तो उसमें वैल्यू सेम आई। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट कहता है कैलकुलेट हाफ लाइफ। तो आपने के की वैल्यू निकाल ली है, अब आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं आसानी से। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, अभी लिखा था मैंने T half is equal to होता है 0.693 divided by K। K की वैल्यू आपने ये दे रखी है तो आप लिखेंगे 0.693 divided by 2.31 into 10^-3। सॉल्व करके आपका आ जाएगा 300 सेकेंड। ओके, सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा 300 सेकेंड। वैसे भी अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि पहला टाइम इंटरवल 300 सेकंड का है और उसमें कंसंट्रेशन आधी हो जा रही है, अगला टाइम इंटरवल भी 300 सेकंड का है और उसमें भी कंसंट्रेशन आधी हो जा रही है। तो इसका मतलब तो ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ओके, तो ये फाइनली कवर हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको तीन केमिकल दे रखे, तीन केमिकल के नाम दे रखे, 2-bromopentane, 2-bromo-2-methylbutane, 1-bromopentane और उसी से रिलेटेड तीन क्वेश्चन दे रखे हैं। तीन क्वेश्चन में क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। पहले तो आप समझिए SN2 रिएक्शन होती क्या है। SN2 रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। इंटरमीडिएट नहीं बनता तो हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। ओके, जितना कम हिंड्रेंस होगा उतनी तेजी से रिएक्शन होगी, यानी वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जितना भी 1 डिग्री का कोई भी कंपाउंड होगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा 2 डिग्री से और फिर 3 डिग्री से। तो ये तो ऑर्डर हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो 1 डिग्री का है, तो 1 डिग्री का कंपाउंड हमारे पास एक ही है, 1-bromopentane, ठीक है। 1-bromopentane कैसा है, 1 डिग्री कंपाउंड है तो ये कैसी रिएक्शन करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं करता, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए इसका जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है और इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1-bromopentane। सेकेंड क्वेश्चन से पहले हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे ताकि आप सेकेंड पार्ट आसानी से बिना डिस्कस करे भी आप आसानी से लिख पाए। थर्ड पार्ट कहता है राइट डाउन द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कौन करेगा, तो देखिए बीटा एलिमिनेशन के लिए स्टेबल कार्बोकेटायन होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटायन जो 3 डिग्री का बना ले, और 3 डिग्री का कार्बोकेटायन यहां पर बनाएगा 2-methyl butane। ओके, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ब्यूटेन क्या होता है, 1, 2, 3, 4 सेकेंड पोजीशन पे एक पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है
और एक ब्रोमीन ब्रोमाइन लगा हुआ है। आपसे कह रहा है बीटा एलिमिनेशन करना है, तो बीटा एलिमिनेशन के लिए जरूरी क्या है कि आपको कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी देनी है, हाइड्रोजन होने चाहिए आपके पास। तो हाइड्रोजन कौन प्रोवाइड कराएगा, ये मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। आसानी से आप यहां से एलिमिनेशन कर सकते हैं बीटा से। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट किसके लिए, थर्ड के लिए। आखिर आपका बचा हुआ एक पार्ट क्वेश्चन पार्ट सेकंड, राइट डाउन द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपके पास ऑप्शन ही एक बचा है, ऑप्शन क्या है, टू ब्रोमो पेंटेन। तो टू ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आप यहां से सी हटा दीजिए, ये हो गया टू ब्रोमो पेंटेन, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने की पेंटेन यानी ये, ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, पूरा जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड था, आसान था, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए हल्के से। कई बार अगर आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप वो देखिए कि इजी पार्ट कौन सा है इसका, जो इजी पार्ट है, अगर ऐसे टाइप के चॉइस वाले क्वेश्चन आ सकते हैं तो पहले इजी टाइप करिए, जो बच जाएगा वो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका मेटलर्जी से रिलेटेड। मेटलर्जी यानी धातु परिष्करण, यानी मेटल को कैसे निकाला जाता है, कैसे साफ किया जाता है, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट कहता है राइट द प्रिंसिपल ऑफ मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ जर्मेनियम। तो इसका सिंपल सा मेथड लिखना था कि कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो मोर सॉल्युबल होती है इन लिक्विड स्टेट कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, यही इसका प्रिंसिपल है। अगर आप इस प्रिंसिपल को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कौन सा क्वेश्चन, राइट द प्रिंसिपल ऑफ मेथड यूज रिफाइनिंग ऑफ जर्मेनियम। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन द लिक्विड कंपेयर टू द सॉलिड। लिक्विड इन द सेंस मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म में इम्प्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होती है कंपेयर टू द सॉलिड फॉर्म में। ओके, तो आप ये इसका प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट है आउट ऑफ लेड सल्फाइड एंड लेड कार्बोनेट, लेड सल्फाइड PbS और PbCO3, वो कह रहा है कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा ओर है जिसको आप आसानी से अलग कर सकते हो फ्लोटेशन प्रोसेस के, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, आउट ऑफ लेड सल्फाइड एंड लेड कार्बोनेट विच वन इज द कंसेंट्रेटेड बाय द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो होती है वो ज्यादातर सल्फाइड ओर के लिए की जाती है। कौन से ओर के लिए, सल्फाइड ओर के लिए। तो इसमें सल्फाइड ओर कौन सा है, लेड सल्फाइड। तो हम इसमें आसानी से इसको कंसेंट्रेट कर सकते हैं, इसको आसानी से इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सी पार्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज होती है सिलिका ऑक्साइड की। तो आप आसानी से लीचिंग प्रोसेस से इसको अलग कर सकते हो। लीचिंग प्रोसेस में आप क्या यूज करते हो, NaOH। तो NaOH में ये आसानी से सॉल्युबल हो जाती है, तो ये आसानी से अलग की जा सकती है एल्यूमिना के प्योरिफिकेशन में, सेपरेशन में। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट द रिएक्शन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट। तो 18 क्वेश्चन का दो पार्ट दे रखे हैं, चॉइस भी है, या तो आप ऊपर वाला पार्ट करिए या फिर नीचे वाला पार्ट करिए। तो पहले हम ऊपर वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉलोइंग रिएक्शन में आपको दे रखा है C6H5Br, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो मैग्नीशियम से और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अगर आपको मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से, अगर आपको ग्रीन नट रिएजेंट याद नहीं आ रहा तो बेटा बहुत पढ़ने की जरूरत है अभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो प्लीज कंटिन्यू करिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो Mg और ड्राई ईथर के बाद आपका कंपाउंड बनेगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट C6H5MgBr। ओके, इसके बाद वो कह रहा है इसका ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में जब आप इसको ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो कार्बोक्सिल ग्रुप में यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन क्या बनेगी, C6H5COOH। ओके, क्या बनेगा, C6H5COOH। उसके बाद इसकी रिएक्शन वो करा रहा है PCl5 से,
PCl5 से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीक्लोराइड बनेगा C6H5COCl, ठीक है। तो ये होगी ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन, बहुत ही आसान रिएक्शन थी, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते थे अगर थोड़ा सा भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। तो सेकंड पार्ट था इसका, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो फर्स्ट रिएक्शन थी, सेकंड रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सेकंड रिएक्शन में कह रहा है कि CH3CN है आपके पास, CH3CN की आप रिएक्शन करा रहे हो SnCl2 HCl और H3O पॉजिटिव। देखिए इससे अगर आप रिएक्शन कराओगे तो आप इसका क्या करा रहे हो, इसमें डबल बॉन्ड O लगवाओगे, तो यानी ये CN से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, CH3CHO। ओके, अब इसमें कन्वर्ट होगा CH3CHO, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो NaOH से, तो ये डाइमर रिएक्शन करेगा, डाइमर बनाएगा, डाइमर में बनेगा क्या आपका CH3CHOH CH2CHO। ओके, CH3CHOH CH2CHO ये बन गया अल्कोहल और एल्डिहाइड एक साथ। इसके बाद वो कह रहा है कि इसको हीट कर दो, हीट करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, सीधा सा ये OH हट जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो ये सिंपल सी रिएक्शन, बस यहां पे आपको याद रखना है कि ये क्या हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शनल पार्ट जो था, ऑप्शनल पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शनल पार्ट में हमसे कह रहा है कि कन्वर्जन लिखना है, क्या करना है, कन्वर्जन लिखना है। तो पहला कन्वर्जन था इसमें बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, और इससे कन्वर्ट करना है हमें बेंजल्डिहाइड में। तो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कुछ भी अपनाइए, मैं अपना लेता हूं SOCl2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, SOCl2 के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीक्लोराइड बनाऊंगा C6H5COCl, फिर इसकी रिएक्शन करा दूंगा मैं किसके साथ, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कराई थी, या इसका हाइड्रोजनेशन करा दो, ठीक है, BaSO4 की प्रेजेंट में, तो ये बनाएगा C6H5CHO। तो यहां से ये बन गया डायरेक्ट। ओके, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूं वही यूज करना है आपको, कोई भी, आप इसका रिडक्शन भी करा सकते हो, रिडक्शन करा के भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो मैंने इसको रिडक्शन ही कराया है, पहले इससे OH हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगाया, और फिर यहां से क्लोरीन हटा के फिर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन प्लेस कराया। तो ये आप कुछ भी करा सकते हो, जैसा आपका मन करे, रिएक्शन ठीक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब कुछ भी करा दिया, सर ने बोला तो कुछ कर लो तो कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, रिएक्शन एकदम फिट होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, तो इथाइल बेंजीन हो गई C6H5C2H5, ठीक है, ये हो गई इथाइल बेंजीन। अब हमें इससे कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड, तो आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दीजिए K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो आपका बन जाएगा C6H5COOH। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन, इथाइल बेंजीन को कन्वर्ट करना था आपका बेंजोइक एसिड में, आपने क्या किया, इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा दिया और बन गया आपका बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो है वो है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन यानी कीटोन से डबल बॉन्ड कार्बन में कन्वर्ट करना है। तो पहले कीटोन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रोपेनोन CH3COCH3। ओके, अब हमें इसको प्रोपीन में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम डबल यहां से इसको क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेंगे किसमें, NaBH4 की प्रेजेंस में, ठीक है, NaBH4 की प्रेजेंस में करेंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3COHHCH3, ठीक है। इसके बाद हम इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन, मतलब हाइड्रोलिसिस, डीहाइड्रोजन, डीहाइड्रोलिसिस करा देंगे। डीहाइड्रोलिसिस कराने का मतलब क्या है, यहां से वाटर रिमूव हो जाएगा,
वाटर रिमूव होगा तो डबल बॉन्ड कार्बन छोड़ जाएगा, डबल बॉन्ड कार्बन ही हमें चाहिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। बस सिंपल सी रिएक्शन, पहले आपने इसका रिडक्शन करा लिया, रिडक्शन कराने के बाद डिहाइड्रोलिसिस करा लिया, डिहाइड्रोलिसिस कराने में आपका अब क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कह रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज्ड फॉर गेटिंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स, मींस जो पॉलीमर दे रखे हैं हमें उसके मोनोमर का स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहला कह रहा है डेक्रॉन, तो आपको पता होना चाहिए डेक्रॉन का मोनोमर है क्या। तो डेक्रॉन के मोनोमर होते हैं हमारे इथाइल ग्लाइकॉल, क्या होते हैं इथाइल ग्लाइकॉल, लिख लेना इथाइल ग्लाइकॉल प्लस टेराथैलिक एसिड। अच्छा अब इनके स्ट्रक्चर बनाने, इथाइल ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH CH OH OH, ठीक है। तो ये हो गया इथाइल ग्लाइकॉल। और आपसे पूछ रहा है कि टेराथैलिक एसिड, टेराथैलिक भी एसिड बड़ा आसान है, COOH COOH, ठीक है। तो ये मोनोमर हो गए किसके, डेक्रॉन के, एक ये मोनोमर और एक ये मोनोमर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये तो आपको नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि इसमें दो मोनोमर होंगे, एक तो होगा मेलामाइन और दूसरा होगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग अगर आपको याद है तो बस वैसा ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये हो गया मेलामाइन और इसके साथ किसका करना है, बेंजाल्डिहाइड, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड ये हो गया HCHO और ये हो गया मेलामाइन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि बुना एन तो बहुत ही आसान है, आप इसको कैसे करेंगे, बुना एन का पहले तो आपको मोनोमर पता होना चाहिए। तो मोनोमर होता है 1,3-butadiene यानी दो डबल बॉन्ड होंगे इसके अंदर, और दूसरा होता है एक्रोनाइट्राइल, क्या होगा एक्रोनाइट्राइल, ओके। तो इसका स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ब्यूटा डाइईन है तो पहले तो चार कार्बन बना लो, ठीक है, और इसके चार कार्बन में पूछ रहा है कि दो डबल बॉन्ड है तो एक यहां पे है और एक कौन से पे, थर्ड कार्बन पे, ओके। तो फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन यहां पे आपके डबल बॉन्ड हो गए और इन डबल बॉन्ड के साथ आप हाइड्रोजन लगा लो, दो हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, ओके। तो ये हो गया 1,3-butadiene। एक्रोनाइट्राइल बनाना है, एक्रोनाइट्राइल बना लो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये हो गया एक्रोनाइट्राइल। तो ये थे ब्यूना एन के मोनोमर्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग्स। डिफाइन द फॉलोइंग्स का मतलब क्या है कि इनकी डेफिनेशंस लिखनी है आपको। तो पहली डेफिनेशन कह रहा है कि एनायनिक डिटर्जेंट, एनायनिक डिटर्जेंट ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिनका नेगेटिव पार्ट जो है वो क्लीनिंग करने के काम आता है। ऐसे डिटर्जेंट या ऐसे अपमार्जक जिनका नेगेटिव पार्ट यानी नेगेटिव एनायन, एनायन जो है वो क्लीनिंग करने के काम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट। जैसे एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट जो है उसमें जो नेगेटिव पार्ट है सल्फोनेट का वही इसकी क्लीनिंग करने के काम आएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, एनायनिक डिटर्जेंट। नेक्स्ट कह रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स कह रहा है बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऐसे एंटीबायोटिक्स जो या तो किल कर दें या इनहेबिटेट कर दें वाइड रेंज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को,
वाइड रेंज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, जैसे जिसमें पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया सॉरी ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव कैसे होते हैं, पर्पल कलर के, वॉयलेट कलर के, और ग्राम नेगेटिव होते हैं आपके पिंक कलर के जनरली, ठीक है। तो ऐसे दोनों बैक्टीरिया को वो क्या कर सकता है, हटा सकता है, किल कर सकता है, मार सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं कि जो टिश्यू है, टिश्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो खत्म कर देता है या उनको रोक देता है। ऐसे जो भी हम चीज यूज करते हैं, ऐसा ऑइंटमेंट जो यूज करते हैं, ऐसी टेबलेट जो यूज करते हैं, ऐसी जो मेडिसिन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। या तो किल कर दे या प्रिवेंट करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू की ग्रोथ को, खत्म कर दे, रोक दे, उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीसेप्टिक। आपने देखा होगा कि जब चोट लगती है तो आपको एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई जाती है। एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब क्या है कि उस चोट के ऊपर कोई भी टिश्यू यानी बाहर का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना स्टार्ट ना कर दे, ताकि वो चोट में चोट खराब ना हो जाए, आप जल्दी ठीक हो जाए, इसलिए हम क्या लगा देते हैं, एंटीसेप्टिक लगा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो आज के पार्ट में आज के 20 ही क्वेश्चन है। हम आगे नेक्स्ट के जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है सेशन तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कुछ और सेशन भी चाहते हैं तो तब भी लिखिएगा नीचे जाके, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए आपकी क्वेरी पूरी कर पाऊं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं पार्ट 3 के साथ जल्दी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।